शादी रचाने के बाद नई नवेली दुल्हन हंसिका लौट आई है मुंबई। जी हाँ, उन्हें उनके हस्बैंड सुहेल कथूरिया के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। हाथों में चूड़ा और मांग में लाल सिंदूर भर हंसिका ने अपनी लुक को कंप्लीट एक बेहद प्यारे सूट के साथ किया। लेकिन मैडम सोशल मीडिया पर हो गई ट्रोलिंग का शिकार, जहां लोगों ने उनकी शादी को लेकर कई बातें कर दी। लोगों ने उनकी शादी पर सवाल उठाते हुए कहा, यही होती हैं वो लड़कियां जो अपने दोस्तों की जिंदगी खराब करती हैं। लोगों ने लिखा, पैसा चाहिए इन हीरोइंस को, बस बुढ़े से भी शादी कर लेंगी, कितनी घटिया चॉइस है इसकी। किसी ने लिखा, ये सलवार कुर्ती शादी के दूसरे तीसरे दिन तक के लिए ही है, बाकी दिन तो शादी की कोई वैल्यू ही नहीं रहती। तो किसी ने लिखा, पैसे का खेल है बाबू भैया। तो किसी ने लिखा, संजू सैमसन लग रहा है ये तो। किसी ने लिखा, फ्रेंड के हस्बैंड से शादी लोल, तभी तो आज कल लोग कहते हैं कि फ्रेंड सर्कल और फैमिली में डिस्टेंस मेंटेन करो सो दैट वी कैन सेव। तो किसी ने लिखा, लोग इसको गालियां दे रहे हैं, शिल्पा शेट्टी ने भी यही किया था, उसको तब सब अच्छे कमेंट्स करते हैं लोग। तो किसी ने लिखा, छी, बेस्ट फ्रेंड का घर बर्बाद करके खुद का घर भर रही है, देखना यही हस्बैंड इसका अब इसकी किसी फ्रेंड के साथ लगा होगा, कर्मा लौट कर आता है भाई। तो किसी ने लिखा, इस चोमू टेम्पू वाले से शादी सिर्फ पैसों के लिए की है, इसीलिए ही सो गई थी दोस्त के पति के साथ, अगर इस लौंडे के बाप के पास पैसा ना होता तो इससे बेहतर हमारा पंक्चर लगाने वाला सोहन पाल है। तो किसी ने लिखा, हस्बैंड लुक्स लाइक अ ड्राइवर। तो किसी ने लिखा, बोथ आर डिस्गस्टिंग एंड परफेक्ट फॉर ईच अदर। किसने लिखा, श्रीदेवी, शिल्पा और अब हंसिका सबने अपने फ्रेंड्स के घर तोड़े और एंड फिर भी इनकी पूजा करते हैं जैसे कोई अचीवमेंट की हो। हेल, ये देखा आपने कि लोगों ने तो हंसिका को जमकर ट्रोल कर दिया। आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब के सी टीवी। हंसिका जी गुड मॉर्निंग। हंसिका मैम गुड मॉर्निंग। फाइनली दिन आ गया। हेलो मम्मी जी, गुड मॉर्निंग। साथ में छोड़ दीजिए ना, हंसिका जी रुके ना यहाँ पर, रुके रुके ऑल टुगेदर। बाय बाय बाय, कम कम क्लोजर। हंसिका जी सिर्फ थैंक यू सो मच। अरे भाई इतना झुकते फोटो मार रहे अपने घर सलाह महेश टिकट सर बग ना जरा भाई, अभी क्या कर रहा है। थैंक यू मैम, बाय बाय।